ये इस फोर्ट का एंड है। नीचे खाई देखो, जिस पहाड़ पे अपन ट्रैक करके आए हैं, इस बहुत गहरा है। यहाँ का मंदिर और अब देखो व्यू। हाँ अपन कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कजली फोर्ट और वहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो जो कि पावरकुआ से 17 किलोमीटर दूर। गाइस अभी हमें आईटी पार्क के पास, ये देख सकते हो आप, ये आईटी पार्क इंदौर का। हमें जाना हुआ खंडवा रोड से और वहाँ पे आपको महादेव जी देखने को मिलेंगे, जिनका नाम काजीगढ़ महादेव के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे काफ़ी सुंदर वाटरफॉल भी है, तो अपन ये कह सकते हैं कि वो वन पैक टूर कह सकते हैं उसको। उधर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये तो गाइस कजलीगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है, अब सिर्फ ये 4 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो गाइस अपन को अम्मा श्री नाश्ता कॉर्नर से ई टर्न लेना है, अंदर जाना है इतने अपन को कजली पोल पहुंचने के लिए। तो गाइस यहाँ व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा गिलीली गिलीली दिख रही है। हल्दत है देती है तारों तरफ तेती तेज पेली पेल। तो गाइस अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है कजलीगढ़ फोर्ट, जिसका रास्ता इधर से जाता है। और अभी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा अपन को पहाड़ भी दिखना चालू हो गया है। बस मंजिल अब अपनी दूर नहीं, बस ये है अगर यहाँ पानी बरसता तो पूरी रोड कीचड़ कीचड़ की हो जाती, पर आशा करते हैं लौटते में रोड अच्छी हो जाए कीचड़ वाली, थोड़ा अच्छा मज़ा आएगा। गाइस पहुँच चुके हैं अब हम पर्यटक स्थल कजलीगढ़ किला। इधर हनुमान वाटिका है, 30 रुपये प्रवेश शुल्क है, 3 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन का 10 रुपये। इधर की आप झोंपड़ियाँ देख सकते हैं और ये जगजीवन ग्राम के अंदर आता है। तो गाइस ये आपको यहाँ से एक स्लिप मिलेगी, एक गाड़ी का 30 रुपया लगेगा, एक गाड़ी का 10 रुपया, 3 गाड़ी का 30 रुपया। तो गाइस अभी हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, यहाँ आने का समय है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। कल काफी खतरनाक लग रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कितने ही खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। जी हाँ, छोटी छोटी बकरियाँ हैं और ये है आदि मानव। व्यू देख, व्यू ये सामने फोर्ट है। तो गाइस अब आप सामने का व्यू देख सकते हो, दिख रहा है देखो। अरे उधर चला, मौसम तो एकदम गार्डन गार्डन हो रही है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू है और सामने एक अपन वाटरफॉल भी देख सकते हैं। ये देखो एक काफ़ी बड़ा वाटरफॉल भी यहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से इसमें पानी गिर रहा है, पर अपन यहाँ पे जा नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम घूमने निकलें और पानी ना आए। चीप दबाक डम डम। तो ये देखो गाइस काफ़ी शानदार व्यू हो रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं पानी बरसते टाइम में फोर्ट के अंदर घूमने। हे गाइस, तो आप इस व्यू को देख सकते हैं, काफ़ी शानदार व्यू है ये। और एक ये रिविंड किला है, इसका नाम है कजलीगढ़ किला। किले में लगी रेलिंग पर ना चढ़े, प्रवेश कर रहे थे गहरी खाई में, सावधानी रखें कृपया अपनी। जय हो बजरंगबली की। शुरू होते ही खत्म। गाइस यहाँ एक कुछ कुटिया टाइप की बनी हुई है, सिर्फ वो फोर्ट की बाउंड्री थी जो अभी अपन ने पीछे देखी है, उसका मुख्य द्वार हो सकता है। कुछ पार्ट दिख रहा है, ये पूरी तरीके से टूटा हुआ फोर्ट है। तो गाइस इस किले को आज से करीब 200 वर्ष पहले महाराजा शिवाजीराव होलकर ने बनवाया था और इसको वो शिकार घर के रूप में इस्तेमाल करते थे।
और ये किला तीनों ओर से घाटियों से घिरा हुआ है। तो गाइस अभी अपन फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और बंदरों को देख सकते हो आप। अच्छा लोग हैं, बस एक बाड़ा टाइप का बना हुआ है। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि ये पूरा किला तीनों ओर से गहरी गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। इसका इस्तेमाल पिंडारियों को रखने के लिए भी किया जाता था। निकाल तो लेगा। तो गाइस कुछ इस तरीके का फोर्ट है सिर्फ। विनीत अपन जब आ रहे हैं ना तब सबसे शानदार व्यू वो बनना है मौसम। जी डेंगू से है ना वो भी। हाँ हाँ देख के चलिए, ज्यादा स्पीड में मत चलिए। काफी ही सुंदर दृश्य है और मौसम भी बड़ा सुहाना है। तो गाइस ये है फोर्ट का एंड। ये इस फोर्ट का एंड है और यहाँ रेलिंग खत्म हो रही है और आगे जाना निषेध है, पर अपने लिए नहीं। क्या मावड़ी वाटरफॉल? अच्छा प्रॉपर इंदौर के वहाँ? नहीं नहीं प्रॉपर प्रॉपर है छतरपुर। अच्छा अच्छा छतरपुर टीकमगढ़ हम शिवपुरी के। तो गाइस अब चालू होती है यहाँ से हमारी हाइकिंग, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। नीचे खाई देखो। तो तू यहीं रुके रहे। तो गाइस यहाँ आए और हाइकिंग ना करें कैसे मजा ही नहीं आएगा। ये देखो आप, ये रहा सामने शेर, काफी सुंदर दृश्य है। आ जाओ ओए, आ जाओ, बहुत प्यारा व्यू है नीचे। क्या विनीत नहीं आ पा रहा क्या नीचे? अबे विनीत तू तो डरक जा। गाइस व्यू देखो आप उधर, ओए नीचे नदी है ना। तो गाइस अभी हम सुन सकते हैं नीचे पानी की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है नीचे नदी हो। चलते हैं, पर अब मैं कैमरा उधर जाके चालू करूंगा। गाइस ये देखो ऊपर दौड़ते हुए आराम से विनीत के लकड़ी लगाते लग का है, वीडियो बना रहा है, हंस रहा है दोस्तन पे। चप्पल हाथ में ले ले, पैर में जा रहा लग रही है। अबे ऐसे नहीं आराम से बैठो मोटे आम क्या पाटन चलाऊंगा तुम्हें चलाना हु दो बार ठीक है। स्पार्टन्स बहन का लंडा कोयल की तरह नहीं चिल्लाना, मर्दों की तरह चिल्लाना था। फिर से एक और बार स्पार्टन्स। तो गाइस अभी हम कजलीगढ़ फोर्ट से 1200 से 1300 मीटर नीचे आ चुके हैं जो कि काफी शानदार ट्रैक है। गाइस ये देखिए सामने है नदी। गाइस यहाँ हो रहा है दो नदियों का संगम। जिस पहाड़ पे अपन ट्रैक करके आए हैं इस ने इन दो नदियों ने इस पहाड़ को बीच से काटा है। ये देखो और एक नदी इधर से आ रही है। फाइनली हमने काफी मशक्कतों के बाद इस नदी को पार कर चुके हैं और देख सकते हो विनीत इसकी गहराई तो चेक कर क्या। बहुत गहरा है गाइस, बहुत गहरा है। और हमने झरना पार करता हुआ कजलीगढ़ झरना, क्या बात है। नदी बह रही है, साफ सुथरी नदी, नहाने पानी है। तो भाई तू हाथ डूब जाएगा। अरे ये इधर गहरा है ना, बहुत ज्यादा गहरा है। अरे क्या साफ पानी है, डूब जाएगा विनीत को। हां यहां पे नहाते इसमें पानी पानी। हां है डूब जाएगा। अरे कमल का शेर। अरे ना ये
देख के तो आ, डंडा डंडा दे दे उसको, डंडे से गहराई देख ले, डंडे से बहुत गहरा नहीं है, नहीं है डंडा कितना सा आएगा वो, बहुत गहरा है। अबे मुंह धोने का सबसे अच्छा तरीका, पानी फेंक रही है, टैग रही है। अबे ऊपर था, मैं नीचे कहां से आ गया? क्या वापस ऊपर जाऊंगा? तू भाई विनीत भाई लोटा है तू। अभी गाइस विनीत को आदि मानव भी बनाएंगे, हमारा आदि मानव तैयार हो रहा है भाई। गोरिल्ला अब हमारे साथ लाते हो हम। तो गाइस हमने भी एक आदि मानव को अपने साथ लाने के लिए तैयार कर लिया है, आदि मानव जो पत्तों से चढ़ाई करने मान गया है। इसको बड़ी मुश्किल से चड्डी पहनवाई है, वरना ये चड्डी पहनने को तैयार नहीं हो रहा था। कहाँ हो आदि मानव, हाथ तो लाओ। ये इनकी लैंग्वेज है। जंगल में मिला आदि मानव, आधुनिकरण क्यों? आपका नाम क्या है? क्या ये कैसा नाम है? आपको ठंड तो नहीं लग रही? खाने में क्या खाते हो? घोड़े का, हमारा आदि मानव तैयार हो रहा है। इसके लिए अभी हमने अमेज़न से कपड़े मंगवाए हैं। रहे हैं वापस, काफी शानदार हाइकिंग करी है भैया, और ऊपर देखते हैं शंकर भगवान का मंदिर और थोड़ा फोर्ट पे भी नजर डालेंगे। विनीत पानी लाऊंगे भाई, पानी से। अच्छा लग रहा है तेरे को? आयोडीन वाला इधर से आ, उधर से नहीं है, इधर से आ। विनीत तो गाइस फाइनली आधा रास्ता तय कर लिया है वापस जाने का। तूने गाड़ी अंदर लगा दी थी क्या? अरे तो वो इसी चक्कर में आ जाते हैं। अरे उनको कोयल क्या, कोयल क्या आ जाएगी होगी उनको, क्या आ जाएगी होगी? दारू तो नहीं पीते, पर मेरा नाम पूछा अंकित जैन, कह रहा की जैन है वैसे नहीं पिएगा दारू। अच्छा तू भाई इसी जन्म में आ जाएगा ऊपर? भाई कसम कैसे चढ़ रहा है देख रहा है तू, इतनी मोटी दीवार पे कैसे चढ़ रहा है वो? आदि मानव को लेके आए हम तो, एक क्या क्या करा हमने? हाँ यार सकल दिख गई हो भाई, तुझे शर्म आ रही है? लगा डक्का डरना। तो
गाइस मंदिर के लिए अभी हमें नीचे जाना होगा और ये फोर्ट के पास ही इसका मोड़ है। जय महाकाल। गाइस ये यहाँ का मंदिर पर अभी ये बंद है, पर लोगों से पूछने के बाद पता चला कि मंदिर तो नीचे है। बोलो हर हर महादेव। तो गाइस अभी पूछने पे पता चला कि मंदिर नीचे है और हमें देखने मिल जाती है यहाँ सीढ़ियाँ। ये देखो व्यू सही यार। तो गाइस चलते हैं, भगवान से मिले बिना नहीं जा सकते अपन वापस। गाइस यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको दुर्गा मैया का मंदिर और देखिए काफी शानदार झरना है इधर। तो गाइस ये है कजलीगढ़ वाटरफॉल और अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल ये जो झरना चल रहा है ये गर्मियों में भी बिल्कुल नहीं सूखता। और ये काफी सुंदर जगह है। वो नहीं आए ना नीचे और गाइस ये हैं कजलीगढ़ फोर्ट के महादेव जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप अंदर केव देख रहे हो इसमें है हमारे महादेव की शिवलिंग, ये हैं अपने महादेव। काफ़ी सुंदर जगह है ये। और गाइस ये हैं लगभग 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ। तो गाइस जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर इस रोड पर कीचड़ हो जाएगी तो मज़ा कुछ और आएगा और वो एंड में आते आते कीचड़ हो ही गई, अब आएगा असली मज़ा। तो गाइस ये था हमारा कजलीगढ़ फोर्ट का ब्लॉग, तो इसमें हमने कवर किया महादेव का मंदिर और कजलीगढ़ का वाटरफॉल और हाइकिंग करने गए अपन आगे पूरे जंगल में, तो वहाँ पे आपको एक आदि मानव भी दिखाया। तो अब इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।